मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापू दादा बोले, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सत्यु की बादशाही का वर्षा ले लो। बाबा ने कहा, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है और तुम बाप से सत्युगी बादशाही का वर्षा ले लो। और बाबा ने आज प्रश्न पूछा है। बाप कहते हैं, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? और उत्तर में बाबा ने कहा, बाप है गरीब निवास, श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। और आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परमात्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्ताना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ। गर्भ जेल में आना मतलब जन्म लेना। बाबा कहते हैं, मेरा नाम एक ही शिव चलाता है, मैं इस तन में आता हूँ तो मेरा नाम भी नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि मैं इस तन में आता हूँ फिर भी मेरा नाम नहीं बदलता, और जो इस आत्मा का शरीर है उसका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है, आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, यह सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। बाबा कहते, तुम बच्चों को अब बहुत नशा है कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। बाबा कहते, सत्युग में कोई दूसरा धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, यह किसी को पता ही नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते, अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है, अब फिर आए हैं बाप हमें साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। वो कहते, फिर वे राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, हम रचना और रचता को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, सत्युग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं रहता। बाप कहते हैं, देवी देवताओं को भी नहीं इसके बारे में कुछ भी पता रहता। अगर उनको भी ज्ञान हो, हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। बाप कहते, इसलिए कुछ भी याद नहीं रहता।
वो सिर्फ ऐश्वर्य भोगेंगे, इंजॉय करेंगे। बाबा कहते अगर उनको पता चल जाए तो फिर वो तो चिंता में आ जाएंगे कि हम तो अब गिरती कला में जाएंगे, कम होता जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो बाबा कहते अभी तुमको चिंता लगी हुई है। बाबा कहते आपको भी चिंता लगी हुई कि क्या हम सत्व प्रधान थे, फिर सत्व प्रधान अब कैसे बने? हमको ये चिंता लगी हुई है कि हम कैसे सत्व प्रधान बन जाएं, हमसे हो नहीं रहा, कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं, करते हैं फिर गिर जाते हैं। बाबा कहते आपको सत्व प्रधान बनने की चिंता लगी है। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। ज्ञान ही है ना, नॉलेज ही है ना, कि कैसे जाएंगे दोबारा, उसको कैसे लेंगे। अभी हम चढ़ती कला में हैं, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते गीत में भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। कौन से दिन का रास्ता तकते थे? कब परमात्मा आएंगे, कब मेरे सामने आएंगे, मैं इतना बुला रहा हूँ वो कब आएंगे? सब भक्त भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाएं, सदगति में ले जाएंगे? बाबा कहते यह अभी समझा है। समझ में आ गया ना हमको, बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। बाबा कहते शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा कि कृष्ण की आत्मा ने बहुत जन्म लिए हैं, अब ये उनकी आत्मा का अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था अब वह अंत में है। तत्वम, मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ। क्या बतलाते हैं बाबा हमें? कि तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। बाबा ने कहा सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परमपिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। बाबा कहते जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते ही नहीं है, और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है। बाबा कहते आप समझते ही नहीं अपने आप को देवी देवता धर्म का, तो बाकी धर्मों की हिस्ट्री छोटी है, कोई 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। बाबा कहते तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। बाबा कहते देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा अनुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाबा कहते जैसे गए हैं वैसे ही वापस भी आ जाएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे, बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है, जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं, कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा ही नहीं। बाबा कहते बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरातों के महल थोड़े होंगे, क्योंकि वो द्वापर में आए, तो बाबा कहते उनके थोड़ी हो जाएंगे, सत्युग में ही होंगे हीरे जवाहरातों की चीजें महल। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है उनकी तुमने इज्जत रखी है। बाबा कहते इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं हम, इसलिए तो हम जान याद करते हैं उनको, देवताओं को, बाप को। ठीक है, बाबा कहते अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं, इसीलिए तो उनको याद करते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं, हमको रंक से राव बैगर से प्रिंस बना देते हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते।
बाबा कहते तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है। कौन सा मंदिर गाया है जिसको लूट के ले गए? सोमनाथ के मंदिर की बात कर रहे हैं बाबा। इसमें उसको मोहम्मद गजनवी ने 16-17 बार लूटा। क्यों लूटा? उसको कुछ तो मिलता होगा ना वहां लूटने के लिए। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कभी कोई ने लूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ? सत्युग में ना, सत्युग में लक्ष्मी नारायण होते हैं बाबा कहते, उनको कभी किसी ने लूटा नहीं। सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं बाबा कहते। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना, जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना राजाओं के दरबारों का। बाबा कहते यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी? जबकि उनों के पास इतना धन है तो उनों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे। तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। बाबा कहते ये सब है आर्टिफिशियल नाम। वहां तो धरती का मूल्य होता ही नहीं। बाबा सत्यु की बात करें, बाबा कहते वहां पर धरती का मूल्य ही नहीं होगा। जिसको जितना चाहिए ले लेवे, ढेर की ढेर जमीन होगी। बाबा कहते मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी बाबा कहते तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास से मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना? बाबा कहते समझ आया गरीब निवास का अर्थ। किसको साहूकार बनाते हैं बाबा? फिर गरीबों को ही बनाएंगे ना। तो बाबा कहते जरूर यहाँ आया आएगा और साहूकार बनाएगा। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एकदम से नहीं हम गिरते। बाबा कहते अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं। गिरने में 5000 वर्ष लगे और बाबा ने हमें फट से पतित से पावन बना दिया। संगम युग में ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपका हूँ। बाप कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। बाबा यहाँ लौकिक की बात करें कि जब बेटा पैदा होता है तो खुश हो जाते हैं, बेटी पैदा होता है तो मुंह उतर जाता है। बाबा कहते कितनी खुशी होती है और बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कहते यहाँ तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सेम है, इक्वल स्टेटस है। तो बाबा को भी पार्शलिटी नहीं करता स्त्री पुरुष में, मेल फीमेल में। तो बाबा के लिए सब आत्माएं बच्चे हैं, इक्वल है। तो बाबा कहते बाबा ने ऐसा बनाया था। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे ना हम, तो बाबा ने हमें बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था यह भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। बाबा कहते उनको यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों का पता है, बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। बाबा कहते शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बातों को लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? बाबा कहते बताओ किसको याद आएगी। भारत में देवी देवता धर्म कब था यह समझते ही नहीं है।
बाबा कहते लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते हैं, बेशुमार मनुष्य हो जाएं, इतने तो है ही नहीं, और कमती हो गए हैं। बाबा कहते ये सब बातें बैठ मैं ही समझाता हूँ। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कभी सुनी नहीं, ना ही किसी शास्त्र में पढ़ी, बहुत वंडरफुल बातें हैं, बहुत अजीब बातें हैं, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं सब ऐसे ही बोलते हैं ना, जब हम ज्ञान सुनाते हैं जो पहली बार सुनते हैं तो बड़े हैरान होके सुनते हैं, लेकिन हम बच्चों को हैरानी नहीं है क्योंकि हमें बाप पर अब निश्चय हो गया है कि बाबा जो भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है। बाबा कहते फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है, आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना बरोबर। हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है। हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे, ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म ले लेंगे, जिनका पार्ट होगा वही लेंगे ना। सत्युग में तो हर कोई आ ही नहीं सकता, सत्युग में प्योर आत्मा ही आएगी, जो प्योर बनी होगी वो आ जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी सारे 84 जन्म ले लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा, कहते शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं। बाबा कहते मेरे लिए तो अनगिनत कहते हैं। बाबा कहते मेरे लिए तो क्या कहते हैं कि अनगिनत जन्म लिए हैं, ठीक है। बाबा कहते कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया है मुझे, बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है, मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं। कृष्ण ही सर्वव्यापी है, राधे पंथे वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो बाबा कहते तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है, भारत जो सबसे साहूकार था अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े, यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाबा कहते ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता, ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा। बाबा कहते वह होते हैं हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा, इस बेहद के ड्रामा के आधी मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा कहते कृष्ण तो धनवान सत्यु का प्रिंस बनते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, रायों की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं ना। तो बाबा कहते ऐसे ही आप बाप भी तुमको भी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नरसिंह नारायण बनते हो। बाबा कहते तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। बाबा कहते कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी ही नहीं, कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनको बाप का गायन ही नहीं, उनका बाप कहाँ है। बाबा कहते जरूर कृष्ण किसी का बच्चा तो होगा ना, कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब से ही उनका संवत शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। बाबा कहते तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका इतना समय राज्य, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। जब 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। बाबा कहते तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट गुरु नानक आदि कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। बाबा ने कहा यह पढ़ाई कितनी सहज है, तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था, भारत अविनाशी खंड है,
भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठी मीठी से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा, ड्रामा के आधी मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। बस एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। और दूसरा, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। और आज का वरदान है, एक साथ तीन रूप से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। बाबा कहते, एक साथ तीन रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा तीन स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित हैं, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। बाबा कहते, सेवा इतनी है कि आपको त्रिमूर्ति रूप में तीनों तरीकों से फटाफट से काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाप की तरह हमें भी उनको प्यार देना पड़ेगा, केयर देनी पड़ेगी, और शिक्षक की तरह उनको गाइड करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सतगुरु की तरह हमें उनको अच्छे सदगति के मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर लाना पड़ेगा। शिक्षक की तरह उनको गाइड करेंगे, सही गलत का बताएंगे, और सतगुरु के रूप में उनको हम सच्चे ज्ञान की, नॉलेज के आधार से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा, हम बच्चों का भी बहुत काम है, बाबा ने बताया हमें। और स्लोगन क्या है, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। देखो, बाबा कहते, ऊंच ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे, ट्रांसफॉर्म कर दे। खुद इतना पावरफुल हो तभी तो किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे ना हम, तभी तो किसी की नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बना सकेंगे, जब हम पॉजिटिविटी से भरपूर होंगे। ठीक है, तो बाबा कहते, जो खुद पॉजिटिविटी से भरपूर होगा वही ऊंच ब्राह्मण होगा, ऊंच स्थिति वाला होगा ना। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। 21 फरवरी के सवाल का जवाब है, जो आत्मा प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय संतुष्ट आत्माएं होंगे, वही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होंगे। 22 फरवरी सरकार मुर्दे से सवाल है, इस पुरुषोत्तम युग में सबसे उत्तम सेवा किसने किया और किसके लिए और क्या किया? इस पुरुषोत्तम युग में सबसे उत्तम सेवा किसने किया, किसके लिए और क्या किया? इस सवाल का जवाब आप सभी पुरुषोत्तम योगी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। ओम शांति।